Hello and welcome to the Kapil Sharma Show. भाई रात बहुत डार्क हो गई है और मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा। चंदू अपनी औलाद का बाप है तो अंदर निकल। ये रात को कौन 12 बजे पट्टे का उल्लू मेरे को परेशान कर रहा है? ओ 12 बजे है, बस मुझे टाइम भी पता करना था। क्या है कि मुझे रात को ना नींद में सोने की बीमारी है। तो सोने की बीमारी होगी और सोने के गहने थोड़ी होंगे आपके पास। और मैं आपको बताऊं, मेरे को भी ना रात को ना नींद में ना मुंह पर ना चाय फेंकने की बड़ी बुरी आदत है। अच्छा, फिर थोड़ी सी चीनी ज्यादा दूध ज्यादा डाल के फेंक दो। फेंक दो यार, मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, आप स्वाद वाला मुंह बना रहे हैं। जाओ, नहीं फेंकता मैं चाय। या फिर ये तो फिर लालच देके फिर मना करने वाली बात होगी ना यार। चलो कोई नहीं, चाय नहीं पिलानी तो फिर यार रात का टाइम है, मेरे को ना अकेले वहां तक जाने में डर लग रहा है, मेरे को छोड़ तो दे वहां तक यार। ओ इतनी दूर क्या जाओगे आप, इधर ही सो जाओ कुत्तों कुत्तों के साथ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नींद नहीं आएगी यार। कैसा अरे पॉकेट तो पीछे से मारते हैं, तुम्हारे यहाँ से मार ली किसी ने? ओहो मैं मर गया। नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं है वो ऐसे है। और रब्बा मैं तो मर गया, सदाई मुझे कर गया। अरे यार मेरे को बताओ हॉस्पिटल कहाँ है आप? एक काम करो, यहाँ से 10 कदम चल के जाओगे, हाँ। फिर वापस आना 10 कदम, तो मैं यहाँ खड़े होके 10 कदम पे हॉस्पिटल दिखाई देगा। यार सामने हॉस्पिटल है, क्यों हिप्नोटाइज कर रहे मेरे को? तो जब दिख रहा है हॉस्पिटल तो उसके सामने ये खड़ा हुआ कोट पहन के डॉक्टर नहीं दिख रहा तुमको? माय मिस्टेक, मैंने गलती तुम्हारी शक्ल देखी ना पहले, मुझे लगा कोई भिखारी है। चलो चलो, जब आदमी की तबीयत खराब हो ना तो डॉक्टर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने अगर तुम्हारे साथ मजाक किया ना तो आए तो तुम पहले लो जाओगे तुम मटके में। और सुनो, तुम्हारा तो जो मुंह है वो भी छोटा सा है, तो कुल्लड़ में ही आ जाओगे, है ना? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी CID। CID का मतलब? सोनी TV पे शो आ रहा है, तुमको CID का मतलब नहीं पता? सुपर हिट प्रोग्राम देखा नहीं कभी तुमने? मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। अच्छा? हाँ? अगर तुम्हें पता है तो मेरा फालतू टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? सॉरी। अपनी तकलीफ बताइए। सीने में बहुत जलन है। आंखों में तूफान सा भी आ रहा होगा। यार आंखों में तूफान क्यों आएगा यार? अरे तुमने गजल नहीं सुनी है, वो सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में शख्स परेशान सा क्यों है? मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, आपसे समझदार ना पागल होते हैं। अरे तुम्हें यार किसने डॉक्टर बनाया मुझे बताओ? मेरे डॉक्टर बनने के पीछे एक बहुत पतली कहानी है, थोड़ी खिंच गई ना थोड़ी सी कहानी में। मेरे पापा की बात तो सुन लो पहले, हैं कर रहे हो। मेरे पापा एक बहुत बड़े स्मगलर हुआ करते थे और मेरी मम्मी एक औरत थी। सबकी मम्मी औरत ही होती है, मछली किसकी मम्मी होती है? मछली की मम्मी मछली होती है। पकड़े गए ना? एक रात अचानक मेरे मम्मी पापा के यहाँ हादसा हो गया। उफ! इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्या हो गया भाई ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरे अपने बाल तोड़ का उफ निकला। उफ! कोई छोटा सा हादसा हुआ मेरे मम्मी पापा के साथ और आज वो हादसा बड़ा होके तुम्हारे सामने खड़ा है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हार्ट अटैक! क्या हुआ? हार्ट अटैक कहाँ आया है?
कौन से बॉडी पार्ट में हार्ट अटैक आया है? यहां, यहीं आता हार्ट अटैक। ओके, रुको रुको, अरे चंदो, आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि हार्ट अटैक से आदमी कैसे मरता है, आओ देख लो। हेलो, 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 अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ रोड़ा, और बेवकूफ तुम्हारा पति बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही मेरी मिस कॉल देखो मुझे कॉल बैक करो। क्या हो गया? हेलो, अपना मुंह पानी में भिगो के रखो, करो सुनो मेरी बात, अपना मुंह पानी में भिगो के रखो, ये कैसा काबलू चने जैसा तुम्हारा मुंह, क्या हुआ क्या इसको? गुलाटी, तूने आगे से ऐसी चीजें दिखाने के लिए मुझे बुलाया, मैं सारे मोहल्ले में बता दूंगा कि तेरी लड़की लड़की नहीं लड़का है। हाँ तो मर्द की बेटी है तो मर्द ही होगी ना, मतलब घोड़े की बेटी होगी तो घोड़ी होगी। ओए चंदू, ओए इधर आ, हमेशा दाद खाज खुजली की बातें करने वाले, इधर देख, ये देख, महंगी बीमारी में आदमी कैसा लगता है। देखो वो, तुम्हें तो मैं जानता हूँ, तुम्हें तो इस शो से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, हार्ट अटैक कैसे आ गया है? एक मिनट, और तुझे भी मैं जानता हूँ, तेरे पास ये अपॉइंटमेंट वर्ड कैसे आया? यार कभी तो शान दिया करो, इतनी मुश्किल से मुर्गा हाथ लगा है। मुर्गा हाथ लगा है, तालियां। अच्छा हुआ मुर्गा है, मुर्गी होता मैं अंडा निकाल लेता। सही बात है, फालतू में आपने मेरे को जगा दिया है, और इतने अच्छे अच्छे मेरे को ख्वाब आ रहे थे, मेरे को अभी दही बड़ा मिलने ही वाला था सपने में। सपने में भी दही बड़ा। 7 रुपए की आइटम। इतनी घटिया बात सुनाने के लिए तुम लोगों ने मेरे को बुलाया, मेरा मूड खराब कर दिया, मैं इतना अच्छा मैच देख रहा था टीवी। लेकिन आज तो कोई मैच है ही नहीं। मैं आज वाला देख ही रहा, मैं पुराना कोई देख रहा हूँ। देखो मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, 1990 वाला कोई मैच आ रहा है, आपकी बैटिंग अभी आई नहीं है, आप 15 मिनट बाद आउट होएंगे, मैं जा रहा हूँ वापस, बेवकूफ लोग। हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है हार्ट अटैक? आ रहा है। अब मैं भी चलता हूँ यार, सुबह उठकर बाथरूम भी जाना है। अरे को शर्म नहीं आती, एक बंदे को हार्ट अटैक, इनको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे चाहे हार्ट अटैक आए या किसी का रिजल्ट आए, मजाक बंद नहीं होना चाहिए, ये शो ही ऐसा है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ जी, बचाओ। एक मिनट, साइड पे आ जाइए, वहां बचाता हूँ, यहाँ सब देख लेंगे, आइए आइए। देखिए, हाँ जी, प्लीज मेरे जीजू को बचा लीजिए। जीजू क्या हो गया आपको? ये आपके जीजू हैं? जी। लेकिन आपकी सुंदर साली को अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जान पे खेल के आपकी जान बचाऊंगा, ठीक है? देखिए प्लीज, आप कुछ भी कीजिए, मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, आप इन्हें बचा लीजिए। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। क्योंकि फिर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं जाओगी ना। लेकिन तुम्हारे जीजू को मेरे अलावा कोई बचा भी नहीं सकता। इनको डॉक्टर चंदू बचाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, पहले पहले सीनियर डॉक्टर से बचेगा तो तुम बचाए। ओए तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने बताया नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? जेंट्स हो के ऐसे काम करते हो। डॉक्टर जयेश रोड़ा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे हाथ। ऐसे कौन खुशी देता है भाई, हैं? ऐसे गले लगने से गिले शिकवे दूर होते हैं। ओह, पर मुझे तो कोई गिले शिकवे नहीं है। देखा, उनको कोई गिला शिकवा नहीं, तुम अपना लोमड़ी जैसा मुंह क्यों घुसेड़ रहे हो बीच में, बेवकूफ आदमी। मेरी बात सुनिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी इनको हौसला दूंगा। इनसे मिलिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश, जूठे गिलासों के स्पेशलिस्ट हैं ये। ये गिलास साफ कर लेते ऐसे करके, गिलास पे कुछ भी लगाओ, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक मिनट यार, बस करो। अच्छा, और तुम डॉक्टर कैसे, कब बन गए भाई? मेरे को तो आधा घंटा हो गया, मैं बन के बैठा हुआ हूँ। और चंदू, तू बता, तू डॉक्टर कैसे बना?
मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने कहा जब कोई लड़की पुकारेगी तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने ये जज की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? पहले हम बीमारी को जज करते हैं ना। आपको पता है जज साहब बहुत अच्छी चाय भी बना लेते हैं। इनको देख के उबलती चाय। बिल्कुल, वो कहती हमें बना कौन रहा है जिसको अभी तक खुद नहीं कुछ बन पाया है। यार एक मिलना है यार, कब से लेटा हूँ। लेटे रहो यहाँ, लेट लेट के भी लोग मशहूर हो जाते हैं। देखो तुम एक साइड ले लो, अगर तुम थक गए हो साइड ले लो, या फिर एक काम करो ये जो गोल टू तकिया है इसको उल्टा कर लो, आज मुंह ऊपर ही रहेगा तुम्हारा। ये झूठ मूठ का डॉक्टर बना हुआ है मैडम। क्यों झूठ मूठ का है? वो मेरा साइड बिजनेस है। और प्रियंका चोपड़ा नहीं करती हॉलीवुड की फिल्में? और ये सिद्धू साहब है, इनका पता नहीं चलता कौन सा बिजनेस मेन है कौन सा साइड है। अरे क्या हो गया? बाथरूम आया? क्या हुआ? मैं कहा आई बोल लूं बीच में। आप लोग अपने साइड बिजनेसेस छोड़िए और प्लीज मेरे जीजू का इलाज कीजिए। अरे भाई वाह, साली हो तो ऐसी। इतनी वाइफ को चिंता नहीं जिसकी इनको है। देखिए वाइफ होगी तो चिंता करेगी ना, वाइफ नहीं है इनकी। शादी कहाँ हुई है इनकी अभी तक? जब इनकी शादी हुई तो आप इनकी साली कैसे हो गई? मेरे एक्चुअली क्या हुआ, मैं मंदिर गया था तो वहाँ पे ऐसे जूता पड़ा था तो उसने मेरा चुराया, तब से जूता फटा नहीं, हमारी जोड़ी बन गई। आप लोग बकवास करो, मैं हॉस्पिटल दूसरे में जा रहा हूँ। यहाँ इस हॉस्पिटल में आने के रास्ते बहुत हैं लेकिन जाने का नहीं। मतलब वन वे है ना, तो गली बंद है आगे से। चलो भाई शुरू करते, तुम फर्श पे लेट जाओ। फर्श पे? एक्सक्यूज मी, बेड मंगाइए। और चलो मैडम के लिए बेड लेकर आओ। मैडम मेरे लिए नहीं, पेशेंट के लिए बेड मंगाई है। इसकी स्वागत है जो इसके लिए मैं बेड मंगाऊ। एक मिनट, अभी ऑपरेशन 2 मिनट के लिए रोको, मेरे को वॉशरूम जाना है। चलो मैं कल कर लूंगा, चलो ऑपरेशन शुरू करो। फर्श पे लेटने से क्या हो जाएगा? अरे फर्श लेटने पे वो स्टेप होगा ना, जग झूमे आचार जैसा ना कोई, जग झूमे आचार जैसा ना कोई। इसके बिना लेटे से स्टेप नहीं होगा ना। ई ई से गाओ भाई। कांटा लगा हाय रामा। एक्सक्यूज मी, इसमें ई नहीं आया? जब कांटा लगता ई अपने आप निकल जाता है। He is right. आप ता से गाइए। ता 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 से ताकीरे जब से तुम जाकीरे, तुम जिस मर्जी कैपिटल वर्ड से गाओ मेरे को बड़ा मजा आने वाला है। इतने खराब मुंह देखने के बाद ऐसा मुंह देखता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। देखिए आप प्लीज इनका इलाज कीजिए। आप इधर आओ, लेट जाओ, लेट जाओ, फटाफट लेट जाओ। लेटो। सबसे पहले पोस्टमार्टम से शुरू करते हैं। ओए पागल है तू? क्या हो गया? मैं अभी जिंदा हूँ, पोस्टमार्टम क्यों होगा? जिंदा हो तो तुम्हारे सामने करते, तुम भी सीख के जाओ कुछ। नहीं ठीक बात है। मैं एक मिनट में पहले पोस्टमास्टर को बुलाता हूँ। पोस्टमास्टर को क्यों बुला रहे हैं? अरे पोस्टमार्टम नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? आप पागल है आप? पोस्टमास्टर नहीं आ रहा, करता मैं नहीं करना। अरे चलो तो नाराज क्यों रहे यार, अगर तुमको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो दूसरा यूज कर लो। एक काम करो इधर। अच्छा आप ही बताइए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए ऑपरेशन, बी पोस्टमार्टम, या सी आप जो बोलो वो कर देंगे। ठीक है एक्सक्यूज मी, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। लाइन तो मैं तुम्हें कब से दे रहा हूँ, तुम मुझे लाइन दो मैं तुम्हें लाइफ दूंगा, मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ऐसे लाइफ नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, इनको गरम गरम चाय चढ़ानी पड़ेगी पहले। ये तो है, मरीज को चाय कौन चलाता है? जो चीज है वही चढ़ाएंगे और तेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दे हम। बेवकूफ मरीज, तो समझ गए हार्ट अटैक भी नहीं लेते। उसको पकड़ दो, इसका ऑपरेशन करो, लेके आओ जल्दी जल्दी लिटाओ। चलो आ जाओ। बैठो इधर फटाफट, बैठ लेके आओ, लेके आओ आराम से, खुद लेके आओ, ऑपरेशन तुम्हारा हमारा नहीं। चलो चलो खुद लेके आओ, आके जाओ। मुझसे नहीं तो मिल जाओ, छोड़ोगे उसको? थोड़ा पीछे पैर डाउन ऊपर से। चलो 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 लेटो, इतना टाइम नहीं, और भी ऑपरेशन करने होता है। चलो लेटो, ऑपरेशन होएगा। ओए एक मिनट, ये बड़ा मजा आता है मेरे को करने में। आ!
ओए होए यार मेरे सच्ची मुच्ची लग गई है। ओए अच्छा दिल पे लगी मैं प्रेशर से ये वाला भी करना मेरे को। लाइव ऑपरेशन देखेगा मेरे बच्चे। हे भगवान हमारा पहला पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो खीर चढ़ाऊंगा मैं। और अगर कामयाब ना हो तो फिर कौओं को खिलाऊंगा। हे भगवान काम फंसा दिया मुझे, इससे अच्छा मैं मर जाता, मैं मर जाता। ऐसे कैसे मर जाते, देखो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों मरे हो, ठीक है? जुराब जैसे मुंह वाले मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद आई। कल को तुम मर के भगवान के पास जाओगे, वो पूछेगा कैसे मरोगे, तुम क्या बताओगे, फिर हमारा नाम लगाओगे, हमारा ब्रांड खराब करोगे। चलो अभी औजार लेके आओ, जल्दी चल भी चीर फाड़ करो। चलो अरे एक मिनट, चलो भाई एक मिनट। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, इनके कार्बोरेटर में कचरा थोड़ी फंसा है कि आप उनके पार्ट्स निकाल रहे हैं? नहीं नहीं कोई चीज, डॉक्टर साहब पहले मैकेनिक थे ना। मैकेनिक था, 5 नंबर का पाना लेके आ भाई चंदू। यार मैं अभी से नहीं होएगा मेरे को लगता। एक मिनट आपका हार्ट चेक करना है। नहीं गलत दे दिए। ओह माय गॉड आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपकी टाइम पास सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए टाइम पास नहीं वो बाईपास सर्जरी होता है। देखिए ऑपरेशन बहुत बोरिंग होता है, हम तो टाइम पास भी करेंगे। म्यूजिक आशिकी में पागलों सा था, जो आंखों में बसाया था उनका जलों सा था। वो तो तेरी आशिकी में पागलों सा था, जो आंखों में बसाया था उन... बंद करो। ओके चंदू फटाफट पेट खोलो, चलो ये लो छुरी फाड़ दो। चलो भाई हटो यार। अच्छा कोई अंगूठी वगैरह निकली मेरे को दे रहा। मजा आ रहा है? ले कर बेटा ले लाइव ऑपरेशन कर। लो जी तुम्हारे पेट में तो रुई निकली, तुम तकिए खाते हो ये क्या है? नहीं नहीं सॉरी वो मेरे से ना वो बेड कट गया था तो उसका ये निकल आया। ओफो सारा ऑपरेशन खराब कर दिया, माफ कीजिएगा हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। नहीं नहीं और माफ कीजिएगा आपकी किडनी खराब हो चुकी है, नया किडनी डालना पड़ेगा जी महाराज। ये लीजिए वाटर प्यूरिफायर। अरे यार ये वाटर प्यूरिफायर क्यों डाल रहे हो? मेरी बात सुनो इधर, डॉक्टर कौन है? तो देखो किडनी लगती है बहुत महंगी, मिलती भी नहीं है। ये देखो किडनी का काम क्या है, खून साफ करती है, ये पानी साफ करता है, एक ही चीज है। तो इसको लगाओ 3000 में लगेगी, 6 महीने बाद हमारा बंदा आके सर्विस करके जाएगा। माय गॉड इसके अंदर तो आयरन की भी कमी है। ये बंदा जिंदा कैसे है? भाई ये तो बहुत ओ माय गॉड ये लो आयरन की कमी है। नहीं नहीं डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा आयरन, डालो अंदर इससे तुम्हारी नसें सीधी रहेंगी। और मेरी बात सुनो, जो प्लग है ये बाहर रखना है, गर्म करनी पड़ेगी ना। अरे वाह इससे तो चीजों बहुत हॉट हो जाएंगे। ये मुझे क्या बातें कर रहे हो तुम? तुम क्या यार, तुम सवाल बड़े पूछते हो, इसका मुंह सिल दो उसके बाद ये तंबाकू नहीं खा पाएगा। मैं तंबाकू वैसे भी नहीं खाता हूँ। नहीं भी खाते हो, जो खाते हैं उनको अच्छा मैसेज जाएगा कि मुंह में तंबाकू डालोगे तो मुंह ऐसे सिल जाएगा। बंद करो इसका मुंह। मैं क्यों मैसेज दूं, मेरे को पता, मैं मैसेज क्यों दूं? अपनी साली को मैसेज दे सकते हो कि आओ कॉफी पे चले हैं, तो कोई अच्छी चीज हो रही सोसाइटी में उसके लिए तुम मैसेज नहीं दे सकते? मैंने किसी को आज तक मैसेज नहीं दिया है। तो अब दे देना फिर अपने ना साली को मैसेज दो कि हमको आके हक कर ले, दे दे बोले देने मैसेज। देखिए आपका ऑपरेशन बहुत सफल रहा। नहीं मेरी बात खत्म होने नहीं, मैंने कहा आपका ऑपरेशन सफल रहा क्या? सफल रहा हमें नहीं पता। अच्छा पर हमारे पैसे दो नहीं तो मुझसे शादी करो। नहीं तो हमसे शादी करो फिर। हम तय नहीं मुझसे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देखो पुलिस का क्या है, पुलिस आएगी कल को जी, आपको बोलेगी क्या हुआ, आप बात बताएंगी, उसके बाद भी तो हम भागेंगे। पहले हम चले जाते हैं। Okay.
अब वक्त है कुछ खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का, उन चैंपियंस को यहाँ पे बुलाने का जिन्होंने खेल के मैदान में तो बाजी मारी ही है, साथ ही साथ जिंदगी की मुश्किलों के भी इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। बंद आंखों से हम सब सपने देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से जो सपने पूरे करते हैं उन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कुछ मेंबर्स। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने दूसरी बार भारत के लिए वो लोग वर्ल्ड कप लेकर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अजय कुमार रेड्डी कैप्टन ऑफ द टीम, प्रकाश जयरमैया विकेट कीपर, गणेश मोनकर फील्डर, अनीस बेग। बरसातें बरस रही हैं, ये रातें भी डस रही हैं। बरसातें बरस रही हैं, ये रातें भी डस रही हैं। करने और ये है वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी, ये दूसरी बार जीत कर लाए हैं। वाह क्या बात है। चैंपियंस आप लोग सुन रहे हैं, आपके लिए लोग पागल हैं, चिल्ला रहे हैं। कैसा लगता है जब आपको लोग इतना प्यार कर रहे हैं अभी कि आप दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत के लेके आए? बहुत बहुत मुबारक आपको। और भाई साहब इधर आइए। अरे आप कहाँ निकल गए? आप तो ऐसे चोरों की तरह निकले जैसे पता नहीं क्या कांड कर दिया आपने। ये हैं मिस्टर सुरेश अय्यर, सीईओ ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अय्यर साहब, आज आपको एक बात कहनी है और दिल से कहनी है। देखिए, हमें आप सबकी संगत मिली, ये हमारा अच्छा भाग्य है, लेकिन आप सबने इस स्टेज की शोभा बनाई, ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। और मैं ठोक के कहना चाहता हूं, मुश्किलों को मात देने वाले ये असली हौसला परस्त इंसान है। कदम चूमती है धरती, इनके आगे झुक गया आसमान है। हम स्तब्ध हैं, निशब्द हैं इनकी विजय यात्रा के आगे। ये फूली हुई छाती बता रही है मेरा भारत महान। क्या बात है, महान। अय्यर साहब आप प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए यार, एक मिनट यार, कोई कागज लाओ यार, मैं ऑटोग्राफ लेने जा रहा हूं इनके। बरसातें बरस रही हैं, ये रातें भी डस रही हैं। बरसातें बरस रही हैं, ये रातें भी डस रही हैं। करने दे इश्क मुकम्मल, सांसें भी तरस रही। कपिल, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने कभी किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया, ये पहला लिया। ऐसा है ये ऑटोग्राफ, अनमोल, नायाब, इससे अनमोल चीज मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। पटाक पटाक। अच्छा आपने कहा मैंने कभी किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया ना, उस दिन कंगना से तो कह रहा था मेरे का ऑटोग्राफ देके जाओ। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा झूठ बोले कौवा काटे। चलो कोई बात नहीं, कौवा काट ले तो कोई नहीं, हमारे हमारे उससे ऑटोग्राफ नहीं कुछ। पहले हमारे शो पे बहुत सारी मशहूर हस्तियां आई, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, बहुत सारे प्लेयर्स, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे रियल लाइफ जो हीरोज हैं, इन लोगों ने एक, एक एक मिसाल कायम की है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप अपने अपने नाम और आपकी टीम में क्या क्या भूमिका है आप बताइए। मेरा नाम गणेश मोनकर है, मैं गुजरात से हूँ, ऑलराउंड प्लेयर। क्या बात है, बात है यार। माय नेम इज प्रकाश जयरमैया, कर्नाटका, बी3 प्लेयर एंड ओपनिंग बैट्समैन एंड विकेट कीपर। अरे क्या बात है, एंड वाइस कैप्टन।
वाइस कैप्टन आल्सो। अच्छा अजय ये बताओ आपको अभी तक आपने कितनी सेंचुरीज बनाई है? मैं अभी तक 58 मैच खेल रहा है, 39 सेंचुरीज। क्या बात है। एंड तीनों वर्ल्ड कप का, बट ये बार काली बेस्ट विकेट कीपर मिला, तीनों मैन ऑफ द सीरीज एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 बॉल सेंचुरीज है। और कपिल मैं तुझे बताऊं, दुनिया में सबसे रेयरेस्ट चीज होती है कि कोई ओपनिंग बैट्समैन विकेट कीपर हो, क्योंकि नॉर्मली विकेट कीपिंग जो है बड़ा टफ जॉब है जी, इसलिए ओपनर को रेस्ट चाहिए होता है और ओपनर नॉर्मली कभी भी विकेट कीपर नहीं होते। तो ये दो धारी तलवार है, एक तो ओपनर है ऊपर से विकेट कीपर है, ऊपर से वर्ल्ड क्लास, कमाल। सो प्राउड ऑफ यू जी, गॉड ब्लेस यू जी। मायसेल्फ अजय रेड्डी, कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, बी टू कैटेगरी, आई एम कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कैसा लग रहा है कैप्टन साहब आपको? एक्चुअली हर क्रिकेटर का एक ड्रीम रहता है वर्ल्ड कप का टीम में प्लेस होना चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने वो टीम में मेंबर होना चाहिए जी। मेरा तो प्लेस है, मेंबर है, अभी कैप्टन भी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बैठिए जी। माय नेम इज अनीस बेग, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, माय रोल इज द टीम बैट्समैन एंड इज अ फील्डर। क्या बात है, अरे क्या बात है यार। बिल्कुल नहीं दिखता है, टोटली ब्लाइंड। वो लोग प्लेइंग 11 में चार जन रहता है, पक्का मैंडेट होना चाहिए। उसके बाद बी टू, वो लोग अप टू 3 मीटर्स बॉल क्लैरिटी दिखता है, उसके बाद ब्लर हो जाता है। ओके, वो लोग 3 जन रहता है। बी थ्री कैटेगरी है, वो लोगों को अप टू 6 मीटर्स क्लैरिटी देखते हैं, उसके बाद ब्लर हो जाते हैं। वो लोग 4 जन रहता है, एक कॉम्बिनेशन से हम लोग खेलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहता है? एक्चुअली बाउंड्री लाइन नॉर्मल क्रिकेट में 60-65-70 तक रखता है ना, हमारा ब्लाइंड क्रिकेट में 45-55 तक रखता है। ओके, और जो पिच का डिस्टेंस होता है वो 20 यार्ड्स। सेम टोटल कितना टीम्स था तुम्हारा वर्ल्ड कप में? अभी 10 टीम्स पार्टिसिपेशन। अरे वाह यार, इंक्लूडिंग इंडिया। विश्व को हराया यार, क्या बात है, वंडरफुल मैन। पाजी मेरी टीम ने इनके कुछ वीडियोस दिखाए, क्लिपिंग्स। जिस तरीके से ये बॉल फेंकते हैं, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, दौड़ के फील्डिंग करते हैं, फिर विकेट पे फेंकते हैं, कैच पकड़ते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ एक्चुअली में समझ नहीं आई, ये बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि आप जब कोई बैटिंग कर रहा है और आप कोई बॉलिंग कर रहा है या जो विकेट कीपर है, फिर भी एक डिस्टेंस आपको पता होता है कि आसपास कुछ हो रहा है। जब बाउंड्री पे चली जाती है बॉल, तब आपको कैसे अंदाजा लगता है कि आपको उस विकेट के ऊपर स्टंप करना है या किसी को कैच देना है? उस समय कैसे आइडिया लगाते हैं आप? वो टाइम में मैं थोड़ा आइडिया देता है, बैट्समैन पूरा स्टार्टर जी पूरा किधर स्ट्रांग है वो मेरे एटलीस्ट 100% में 80% कीपर का रोल होता है इसमें। ओके, मैं एटलीस्ट वो गाइड देते, लेग साइड मारे तो लेग साइड वाला को मैं बोलता है लेग साइड और राइट साइड। ओके, उसका नाम से राइट साइड मारे तो राइट साइड, और फील्डर बॉल फेंकता ना वो टाइम मैं गाइड देते एयर एयर करके उधर मारते हो फील्डर भी। क्या बात है यार, इसमें मतलब जैसे वो आवाज है ना, तो वो आवाज को देख के थ्रो करते हैं, या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस 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 यस, तो आवाज से चलता है। पिछले जमाने में पृथ्वीराज चौहान की कहानियां सुनी है ना, शब्द बेदी बान होता था, जहां से आवाज आती थी वो तीर चलाते थे। अब ये इनका जमाना है, जहां से शब्द आया वहां थ्रो पड़ती है ठा करके। तो ये बड़ा जमाना बदल गया ना। अच्छा जब भी हमारे शो में क्रिकेटर्स आते हैं, ऐसा पहली बार हुआ जैसे हमारे आपके कितने सारे दोस्त आते हैं बाजी, हम उनसे पूछते हैं कि क्रिकेट में स्लेजिंग होती है सामने वाले प्लेयर पे दबाव बनाने के लिए, जानबूझ के बोल जाता है ना, कोई सिद्धू बाजी की बड़ी लड़ाई हुई है विदेशी प्लेयर्स के साथ, युवराज की बड़ी, आपको पता है? यस हाँ बिल्कुल, मैंने आमिर सोहेल को बोला था ठोक दूंगा तुझे। अच्छा तो आप ऐसा कभी होता है कि आप जब मैच खेलते हैं तो विरोधी टीम कोई ऐसी स्लेजिंग करती है या आप लोग किसी को ऐसे गाली बड़ी देते? इतना ज्यादा तो नहीं होगा, कभी कभी मतलब बैट्समैन वो लोग जानबूझ कर टाइम लेट करने टाइम पे तो मजाक में कुछ कुछ बोलता है, आओ जल्दी जाडू मारो बैटिंग शुरू करो। जावेद भी आता था ना जी, वो दिलीप दोषी बॉलिंग डालता था, वो स्टेप आउट करके बोलता है ए टेला लूम नंबर क्या है, वो तोतला बोलता था। तो मैं हैरान रह जाता, दिलीप तो ए क्यों पूछता है, तो फिर चुप हो जाता है।
फिर अगला बॉल आया, स्टेप आउट किया, ब्लॉक किया, ए तेरा लूम नंबर क्या है? वो फिर घबरा जाना। तीसरी बार उसने बॉल किया ना, फिर उसने पूछा तेरा लूम नंबर क्यों पूछ रहा है? वहीं पे छक्का मारूंगा वहीं पे। आप बताएंगे कि फाइनल मैच जब आपने जीता, कौन सी कंट्री के खिलाफ खेल रहे थे आप? पाकिस्तान सर। ओए हो, तेरे को एक बात बोलूं, जब हम पाकिस्तान के साथ क्वार्टर फाइनल जीते थे ना जी, तो मुझे होटल पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लगे थे। ऐसे क्यों? क्योंकि जिसको भी मैं मिला उसने कहा जी हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, अब और किसी को चीज जरूरत नहीं। इसलिए जो सेटिस्फेक्शन पाकिस्तान के साथ, मतलब मानो आपने 10 इनिंग फेल हो गए और पाकिस्तान के अगेंस्ट 50 बना दिया, मतलब गंगा नहा ली, सारे पाप धुल गए। मुझे आपसे मिलके इतना मजा आ रहा है, मुझे अच्छा इतना लग रहा है कि यार अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई भी कार्य करने का निर्णय ले, ओए इतनी प्योर हिंदी सुन के कहीं बेहोश ना हो जाना, तो वो चीज हो सकती है, ये आप लोगों ने कर दिखाया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चारों में से अब टीम में सबसे ज्यादा शरारती कौन है? इसलिए है कि मतलब बहुत सेंचुरी मारता है इसलिए। फनी गाय। अच्छा मुझे बात बताओ, तुम लोग मैंने सुना इंग्लैंड भी खेलने गए थे, इंग्लैंड में किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ की और कंट्री के खिलाफ? इंग्लैंड। तो मैच जीते थे वो वाला? यस, क्लीन स्वीप। तो उसका डेब्यू मैच में 148 प्रकाश है? 149 फर्स्ट मैच। 149 फर्स्ट मैच ऑन डेब्यू मैच ऑन मैन ऑफ द। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? क्यों इतना मतलब पीटते हो बॉलर को? तुम्हें किसी ने भड़काया बॉलर के खिलाफ? ये किसी के आगे नहीं झुक सकता, सिर्फ अपनी घरवाली के आगे झुकेगा। शादी अभी हुई है आपकी? इतनी बड़ी छोटी उम्र है आपकी? 2 बच्चे हैं। प्रकाश तुम्हारी उम्र क्या है? 36 सर। अरे मुझे लगा था वर्ल्ड कप जीत के कसम खाई होगी, तो बच्चे बच्चे पैदा करके बाद में लेके आए वर्ल्ड कप। क्या बात है, सुन मेरी बात। बैठिए प्रकाश। सुन, तू नंबर 8 खेलता है, वो ओपनिंग बैट्समैन है, फटाफट टका टक। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती शादी के लिए शादी कर, मैं कहता मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, अभी ये मैं काटूंगा। पता क्यों? मम्मी कहेगी अगर वो लोग शादीशुदा होके बच्चों वाले होके वर्ल्ड कप ला सकते हैं तो तू तो एक शो ही कर रहा है और क्या कर रहा है। फिरंगी कर रहा है, फिरंगी फिरंगी या पर मैं अपनी माँ को बताना चाहता हूँ, अलग इसको बताइए, मैं फिल्म भी कर रहा हूँ फिरंगी। ओके, मैं आज के बाद कभी प्रमोशन नहीं करूंगा जबरदस्ती। पर फिरंगी से याद आया, ऐसे तुम लोग इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जीता, 149 बनाई, तो फिरंगी लड़कियां आई होंगी एक दो गोरी मिलने? मैच मोड में था। नहीं, मैच मोड तो ठीक है, मैच तो हो गया ना खत्म। 149 स्कोर बनाया, मैन ऑफ द मैच मिला था उसमें? या ये बाकी सब सच बोला, ये झूठ बोला। कैप्टन सही बोल रहा है प्रकाश, कैप्टन साहब सच्चा बोलता है, अभी कैप्टन बोलेगा सही। फ्रेंडली तो बात करता है, एंटेन करता है, बहुत एंटेन करता है। किसको? सबको। सबको। कैसे मतलब? कैसे मतलब, जोक्स करता है, गाना गाता है, डांस करता है। तो गाना तो हो जाए प्रकाश आज। हो जाए भाई, हो जाए। आज मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच। हेलो, ये लो माइक, प्रोफेशनल माइक। प्रकाश हमने ये स्पेशली मंगवाया इधर अंधेरी ईस्ट से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड? इंग्लैंड से मंगवाया, इंग्लैंड से। हिंदी? अच्छा, अभी अभी गजल गायकों की तरह ना, थोड़ी ऐसे ही अभी नखरे, आवाज खराब है। बट वॉइस खराब है। नहीं नहीं नहीं, सीधा देखा, अभी वो स्टार वाले नखरे शुरू हो गए ना। आज मेरा वॉइस खराब है। कैसा वॉइस खराब है, अभी गाओ। क्या करो हाय, कुछ कुछ होता है तुम पास हाय, क्यों मुस्कुराए तुम ना, न जानो क्या सबने दिखाए, ओ क्या हमारा आकार होता है, क्या करो हाये, क्या बात है, कुछ कुछ होता है, क्या करो हाये, कुछ कुछ होता है, क्या बात है प्रकाश, क्या बात है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। बैठिए, पूरे कलाकार हैं,
कैप्टन साहब, अभी मैं तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई, प्रकाश गाता है, डांस करता है, और कौन कौन क्या क्या करता है चारों में से? बाकी टीम मेंबर्स सारे आ नहीं पाए, तो क्या क्या और कौन कौन करता है? इन तो साइलेंट है, इन तो ये साइलेंट क्यों है? ये वाइब्रेट मोड है। इन भी सिर्फ स्माइल से पूरा टीम में जोक्स जोक का मूड लेके आते हैं। कभी कभी हम लोग सीरियस डिस्कशन करता ना, तो देख के सीरियस पूरा चले जाता है। तो अच्छी बात है ना, स्माइल करना चाहिए। तो अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात। सबसे ज्यादा स्माइल किस बात पे आती है आपको? कौन सी ऐसी जोक्स होते हैं टीम में? कौन से वाले? वेज वेज वाले? रामबीर नहीं, ये वैसे खाने में वेजिटेरियन हो गए नॉन वेजिटेरियन? दोनों चले। अरे बता, फिर जोक्स भी दोनों ही चलते होंगे। और माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ पे सिर्फ वेज ही मिलेंगे। यस। अच्छा, मैं एक्चुअली, मुझे कोई बता रहा था कि आपको हमारा शो बड़ा पसंद है, सही बात है क्या? ऐसे किसी ने बोला है? मैंने आपके बहुत शो, आई थिंक मैं तो 2-3 महीने पहले सोच भी नहीं सकता कि इधर मैं बैठूंगा। सो स्वीट। आई थिंक सिद्धू भाई और मैंने भी आपको, मैं हमेशा आपके बहुत शो फॉलो किया मैंने। सो स्वीट। थैंक यू यार। एक्चुअली जितने क्रिकेटर आए मुझे सब उनके नाम मालूम है, हीरोज वगैरह सब। क्या बात है भाई, पैशनेट तो है बंदा क्रिकेट के लिए। क्या बात, पूरी पूरी नॉलेज है। अच्छा, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। थोड़ा सा ऐसे इजी। अगर तूने 1990 निकाला ना, आज इंटरव्यू मैं करूंगा। फिर थोड़ा बच इंटरव्यू निकलेगा। मैंने कुछ क्या पता, मैंने कुछ और ही पूछना हो। फिर मैं करूंगा इंटरव्यू, फिर तू नहीं करेगा। 2 मिनट बैठो सही। अच्छा सही सी बताना। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, कितने पे आउट हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि 1990 में तेरी... ए, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो पहले भाजी, मेहमान आ रहे। सिद्धू जी भड़क गए, तकिया फेंका उन्होंने। मैं पूछूंगा ही नहीं अभी कि 1990 में सिर्फ आपने थोड़ी ना खेला है 1990 मैच। 1990 के पहले 1989 था, 1999 उसके एक साल बाद कोई उसके एक साल बाद ना एक बड़ी मजेदार चीज हुई थी, तुम्हें याद है क्या हुआ था? क्या हुआ यार, मुझे बता रहा मैं। कुछ नहीं हुआ। बल्ला चाहिए। चलो, मीस कहता है मैं बहुत छोटा था, तो मैंने छोटा वाला जीरो पे आउट होते थे। इसका भी एक जोक बना दिया आपने। अरे हमारे बीच में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ हमारे दोस्त आए हैं, और सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? नमस्कार। नमस्कार सर, मैं विनोद देशपांडे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत स्वागत देशपांडे जी। और शरद पवार क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जब हम खेलते थे तब खुद बॉल दिखते हुए भी डाइव मार के नहीं स्टॉप कर सकते थे, और इनकी जो मैच देखी इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, व्हाट अ मैच इट वाज। ऐसे लगा ही नहीं कि ये ब्लाइंड लोग खेल रहे हैं। क्या बात, रियली इट वाज अमेजिंग वुमन। और जब इनकी बहुत सारी व्यथाएं हमें समझी, इनमें से एक है अभी ये जीतने के बाद आज इसका इधर सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके बाद ये कल ट्रेन में जाके कंगी बेचेगा। रियली इट इज़ वेरी सैड। कभी सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के लिए कपिल शर्मा के शो में आने मिलेगा। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। डेविड सर कैसे हैं आप? तो सर एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि ये कल को वापस जाके रेलगाड़ी में कंघी बेचेंगे, तो मतलब अगर ये इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं
तो मतलब इनको कोई धनराशि या वो सब कुछ नहीं मिलता है क्या? नहीं, मैच फीस तो कुछ नहीं है, लेकिन विनर प्राइज जो इंडिया ने जीता खाली 3 लाख दिया है हमने। और लेकिन जब बैंगलोर में मैच खत्म हुआ, प्लेयर्स हैं टोटल? टोटल 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर हैं और 3 ऑफिशियल्स हैं, मैनेजर, कोच एंड असिस्टेंट कोच। और बैंगलोर में जब मैच जीतने के बाद नेक्स्ट डे ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बुलाया था, कर्नाटक का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने प्रकाश और जो कर्नाटक का प्लेयर है सुनील करके, ये दोनों को जॉब प्लस 7 लाख कैश अवार्ड अनाउंस किया है। बहुत अच्छी बात है। हमारी गुजारिश है कि टीम इंडिया के लिए जब ये खेल रहे हैं तो कोई कर्नाटका से है, कोई मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आप इनका, उन्होंने तो कर दिखाया क्यों जो उन्होंने ठानी थी, और आपको उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि और दिलो जान से खेलें, और हम सब तो आपके साथ हैं। सर देशपांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, शुक्रिया डेविड जी, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप एक्चुअली इतने इंस्पायरिंग हैं, मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी टीम को धनराशि 1-1 लाख रुपए आप सबको टीम में, मैं मतलब ऐसे दिल कर रहा है भाजी, ये बहुत ही इतना मोटिवेशनल आज इवनिंग हो गई है कि नहीं, बैठो बैठो कोई बड़ी बात नहीं है, बैठो यार, ये क्या कर रहे हो, पर ये एक्चुअली ये जब आप इनसे मिलते हो एक नई ऊर्जा आती है आपके अंदर। अच्छा, जब मैं चौराहे पे किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए देखता हूँ, और वो भी बड़ी चलाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली पाजी हम लोग बोलते हैं ना हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट हैं जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। अच्छा, यहाँ पे एक कोई हमारे दोस्त थे जिन्होंने ये कहा कि वो कुछ ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, मैं जान सकता हूँ वो कौन है? आप हैं, नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अजय देसाई है, मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बीकेसी क्लब का जनरल मैनेजर हूँ। वेलकम सर। मैं We are going to announce the first thing official कि जब भी इनकी matches मुंबई में आज के बाद होगी, MCA will be hospitality partner and responsibility entire we will going to take it. बहुत अच्छी बात है सर। And I would like to announce my personal thing that after my death I will donate my eyes to one of the India blind cricketer. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, आपकी बहुत अच्छी सोच है, और आपके साथ साथ मैं भी यहाँ पे आज मैं प्रण करता हूँ कि मैं जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दान करके जाऊँगा। मुझे लगता है सबको ऐसा करना चाहिए, ये बड़ा ही नेत्रदान महान दान इसीलिए कहा जाता है। सो बहुत अच्छा लगा आप जैसी शख्सियतों से मिलके सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। आइए, चलो अब बड़ी मोटिवेशनल बातें हो गई, अब हंसी मजाक करते हैं। हो क्या रहा है? बंपर क्या कर रही थी तुम? मैं नहीं बोलती, मेरा काम बोलता है। अब मैं अंदर क्या कर रही थी? ये तो वर्ल्ड चैंपियन से है। ओ वाह, आपके घर में वर्ल्ड चैंपियन कहां से आ गए? ओ हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो, मैं हाय हाय, मैं हूं बंपर, रहती हूं अपने दम पर। वाह, वर्ल्ड चैंपियंस चैंपियंस। मैं आपको बताऊं, ये हमारी नर्स है यहां बंपर, ये अस्पताल में लगी हुई है, इधर पीछे अस्पताल में लगी हुई है, मतलब मैं कोई अमरूद हूं जो लगी हुई हूं? ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ गोबर हूं जो किसी के पैर में लग गई, लगी हुई है, क्या होता है ये? इसकी बातों को ध्यान से मत सुनना, पागल है। परसों किसी पेशेंट का ब्लड का सैंपल निकालना था, उसका हाथ पकड़ कहती माँ का दूध भी तो बाहर आ। ऐसे निकालता है कोई खून? ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे खून कौन निकालता है? तुम निकालता है। अच्छा, जोक के लिए मजाक के लिए कुछ भी बोल देंगे आप, वो मान लेंगे क्या? कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप लोग चैंपियंस हैं और वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो मेरी तरफ से ना, मैं मेरे पास ये मैं आप लोगों को ना एक एक रोज देना चाहूंगी, ये मेरी तरफ से। ओके,
मेरी तरफ से ये आपके लिए, थैंक यू, आपके लिए रोज। मैं इतनी खुश हूं ना इनको देख के, मैं बता रही हूँ अब ये रोज खाली आपके लिए आज नहीं है, ये रोज मैं आपको रोज दूंगी। वैसे आपको लेने नहीं चाहिए थे पता है इससे रोज, ये पैसे मांग लेती बाद में। क्या रोज दे रही, जाके जो तेरा काम है वो अपना काम कर, रोज रोज लेने दो। वैसे आप लोगों में से बताएगा कि आप में से ये जो अपने वर्ल्ड कप खेला ना, इसमें सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच किसको मिले? प्रकाश को। इंजेक्शन केयरफुल। शादीशुदा है, दो बच्चे, एक 7 साल का एक 9 का है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में बीवी देख रहे। देखिए अब मान लीजिए कि एज मैन ऑफ द मैच आपको ये बम्पर इनाम में मिली है। देखिए आपके हाथ में ये रोज है, ये आप मुझे अगर प्रपोज करना चाहें या रोज मुझे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अरे इसका क्या मतलब था प्रकाश? मुंह बंद हो गया, बात नहीं आ रही बाहर। उनका कहने का मतलब है कि मैं मुक्का हूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप लोग सारे के सारे चैंपियंस हैं, मैं आपको एक प्रपोजल देती हूँ। देखिए ऐसा कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा इरादा क्या है, आपकी ये जो टीम है ना, मैं उसमें एज अ कोच जुड़ना चाहूंगी। हंसे क्यों? झूठ नहीं बोल रही हो? अभी जैसे गर्मी की छुट्टियों में रेलगाड़ी में अतिरिक्त कोच नहीं लगाते? इंजन इंजन ये लगती है, तो पता नहीं रात को 12 बजे बाद 4 पहियों पे हो जाती है। वाह वाह वाह, चैंपियंस, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक्चुअली आप लोगों के आने की खुशी में ना, हमने यहाँ पर एक मुशायरा रखा है, मतलब ऐसे उठा के नहीं रख दिया है, एक सिटी केबल का मुशायरा हमने ऑर्गेनाइज किया है। मैं पेश करूँ मुशायरा? ओके, सेटअप ले आइए प्लीज। आदाब 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 आदाब, जश्न शायरी के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जश्न शायरी हमारे चैंपियंस के नाम। सबसे पहले मुझे एक मौका दीजिए, मैं एक कविता पेश करना चाहूंगी। जी जी, कविता कम ये लीजिए, ये देखिए सिद्धू पाजी, ये कविता है, तो मैंने कविता पेश कर दी। कविता ये तो पागल है, आपको कुछ पीछे बोला अगर, आप आ भी गए, इतनी प्यारी है, दोनों जगह पे डिंपल पड़ रहे हैं। मेरे को मिलने आए? सो स्वीट, थैंक यू सो मच। कविता इससे पहले कि सब आपको पढ़ना शुरू कर दें, हम जा सकती हैं। मेरा डेस्टिनेशन आ गया, ओहो मेरा डेस्टिनेशन आ गया, यही रिक्शा रोको, ठोको ताली, ठोको ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ठोको भाई रोको, अब ठोको। रोको 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 रोको, ठोको ठोको ठोको, ना सुर है ना ताल है फिर भी गाना गा रहे हैं, ना सुर है ना ताल है फिर भी गाना गा रहे हैं, मुशायरा कब का शुरू हो गया, आप अब आ रहे हैं? ओ, ना, ना। भाई एक मोटी सी बात है। हाँ जी, टाइम नहीं है जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री। मैं क्या भाई, टाइम नहीं है जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री, मैं कहता हूं है ही नहीं टाइम।
टाइम नहीं है, जब से पॉलिटिक्स में हुई है एंट्री, मेरी जगह मदन लाल कर रहे हैं दिन रात कमेंट्री, ठोको। हेलो भाई, हाउ आर यू माय फ्रेंड? फाइन, आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड टू मीट द वर्ल्ड चैंपियंस। ठोको भाई, ठोको ठोको। दैट इज मिस्टर सिद्धू, दिस इज पिद्दू। आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, क्या बात है? सुनाए घर लेट पहुंचने की वजह से उस दिन आपने भाभी जी की डांट खाई। इसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, हाँ जी, आप लगा तो लगा कार आई। देखो भाई, गड्ढा बन गया कुआं, हाँ जी, गड्ढा बन गया कुआं, सड़क बन गई खाई, सड़क बन गई खाई, वाह वाह, क्योंकि वहां पे इसने रस्सी पे कूद लगाई। एक शेर अर्ज किया है मैंने, जी जी, कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं, वाह, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं, क्या बात है, बैठ जाओ, भी बैठने के लिए भगवान ने बम दिए हैं। देखो भाई, मैं कई बार इंसाफ के लिए लड़ा हूँ, वाह, मैं कई बार इंसाफ के लिए लड़ा हूँ, इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए खड़ा हूँ। बारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, बारे ऊपर वाले तेरी खुदाई है, जब तीन तीन इंजेक्शन लगे ना, खड़े रहने में भलाई है। भाई देखो जी, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाओ, क्या बात है, क्या बात है, और मतदान जरूर करें। ये तो कोई शेर बना ही नहीं। कोई बात नहीं, शेर नहीं बना, कभी कोई मैसेज भी कोई चीज होती है। हर बात नहीं शेर, मेरे को बहुत बातें आती हैं, बहुत कुछ आता है मेरे को, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा जब मैं भागता हूँ मेरे को पसीना बड़ा आता है, बहुत कुछ आता है। वो तो 5 मिनट भागो तब भी आता है, मेरा पसीना कंफ्यूज हो जाता है ना, मैं कब आऊं, क्योंकि उसको पता नहीं चलता मैं पॉलिटिशियन को आऊं, क्रिकेटर को आऊं, कमेंटेटर को आऊं, इसलिए भाई बात की गहराई को समझो। क्या बात है, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगी। सिद्धू जी पानी की क्या लिखा है? अर्ज किया है, हाँ, ऐसे ऐसे घटिया शेर मारने वाले को सजा मिले, ऐसे घटिया शेर मारने वाले को सजा मिले, उसे बाथरूम आए और नाड़ा भी ना खुले। एक बार एक, ये तो फिर बद्दुआ होगी। एक बार अब पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? वाह वाह, नहीं ये तो बद्दुआ होगी ना फिर। भाई ये आपके दोनों, मेरा नाड़ा कैसे खुलेगा? आपको पता होगा आपका नाड़ा, इनको थोड़ी पता। क्या बात, मैं तो बेल्ट पहनता हूँ ना। मैं अर्ज करना चाहूंगी जी, सावन के महीने में कोई दिल दे तो जरूर लो, क्या बात है, क्या बात है, सावन के महीने में कोई दिल दे तो जरूर लो। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, पानी चला जाए इससे पहले टंकी भर लो, सारा दिन ऐसे बातें करते थे, कोई काम की बात भी कर लिया करो। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ आप सबके लिए, जी जी, कबूतर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो आज आपने हमारी आंखें खोल दी। कबूतर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और चिड़िया ब्राउन ब्राउन। कबूतर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ जी, और तितलियां होती रंग बिरंगी, बहुत जल्द आ रही है फिरंगी फिरंगी। कैसे हालात हो गए हैं पाजी की, दुश्मन हो गए हैं भाई भाई के, कैसे हालात हो गए हैं कि दुश्मन हो गए हैं भाई भाई के, यार ये फिरंगी फिरंगी बाद में करते रहना, पहले पैसे दो मेरे चाय के। माय चैंपियंस के नाम एक शेर अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। क्या बात है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या क्या,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छा? बात। हम पूछ रहे हैं क्या बात है, तो बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे, बात है क्या, आगे बात क्या, क्या बात है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़े वाईफाई। क्या बात है। देखो चैंपियंस, मैंने शेयर का डिजिटलाइजेशन कर दिया। इन द वर्ल्ड ऑफ 4G आई एम रनिंग एट 6G, यू सी। और इस धार्मिक मुद्दे पर एक शेयर मेरी तरफ से भी। इरशाद इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या बात है, सेम हो गया। ओहो यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सेम ही होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मैंने चाय पिलाई। क्या बात है, क्या बात है। और सब भागे जब पैसे देने की बारी आई। क्या बात? इतना घटिया शेर सुनाते तो शर्म ना आई। बाहर गालियां खड़ी दे रही है तुम्हें, कहती है मैं हूँ इसकी ताई। दोबारा हो जाए फिर। ऊपर शोभ किसके नाम पे? जी एक अच्छा वाला मुझे आ गया। अच्छा वाला आ गया, आया भी आया। शेर आया। मुंह आप अपनी तरफ से हिलाते के जुड़े की वजह से हिल रहा है आपका। छा गई है घटा, वाह छा गई है घटा, हर नौजवान भीगेगा। छा गई है घटा, हर नौजवान भीगेगा। एनी आइडिया सिद्धू जी यूपी में कौन जीतेगा? क्वेश्चनेबल शेर हो गया ये। कपिल शर्मा जी आगे क्या कोई आप भी कुछ अर्ज कीजिए आप। अच्छा यूपी इलेक्शन। हाँ जी अर्ज किया है। जी जी वाह वाह। कि सीने में दर्द उठा है। क्या बात है, क्या बात है। सीने में जो दर्द उठा है। यार दर्द उठा है तुम कह रहे हो, क्या बात है। हाँ जी सीने में दर्द उठा है वो आंखों की खता है। क्या बात है। सीने में जो दर्द उठा है वो आंखों की खता है। यूपी का क्या पूछ रही है, उनको तो पंजाब का भी पता है। क्या बात है, क्या बात है। इसकी टोपी उसके सर, वाह। उसकी टोपी इसके सर। क्या बात है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आगे जा अपना काम कर। चाय बनाओ मतलब। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चल 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 जा, चल 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 दफा हो, दफा हो, चल चल चल। भाई तो चल आपको गाना है, चलता हूँ। चलो मेरा दफा हो, लाइन अपने हिसाब से बोला कर। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। वही भिखारियों वाले काम नहीं छोड़ता तू। भाजी मुखारा आ रहा, धक्का मुक्की पे आ गए ये। शेर सुना फिर। जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन। लानत है। वाह क्या बात है। तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, कम खाया करो टूट जाएंगे तुम्हारे बटन। इंसान इंसान से लड़ रहा है लेकर जात को। क्या बात है। इंसान इंसान से लड़ रहा है लेकर जात को। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लीजिए एक सुबह एक रात को। लगेंगे आशिकों के मजारों पर हर बरस मेले। वाह। लगेंगे आशिकों की मजारों पर हर बरस मेले। वाह। लेकिन उस मेले में मेरे होंगे चाय वाले ठेले। भाई जब ठंड हो ज्यादा, मैं देखो ठंड की बात कर रहा हूँ, इट्स अ वेदरफुल शेर। वेदरफुल जब ठंड हो ज्यादा, ये ऐसे कर लेते हैं तो पहन लो इनर। ओहो क्या बात है। जब ठंड हो ज्यादा तो पहन लो इनर। थैंक यू थैंक यू। विद्यावती छोड़ो चुटकुले, लेट्स गो फॉर एक ठोको डिनर। चलो आया। अरे आया। मैं तुम्हारे साथ जाकर क्यों करूं अपनी रात काली, सारी रात कहते रहोगे ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली। भाई एक मिनट, एक बार बताओ के तुम वेज हो के नॉन वेज? वेज। तो फिर ठोको ताली नहीं, ठोको वेज थाली। भाई मैं देखो, मैं हमेशा चाहता था कि विद्यावती को कुछ कहूं। माया कौन है? माया नहीं, माया। अच्छा ओके माया। मैं अनिल कपूर जी सेम ही है। मैं हमेशा तुमको कुछ कहना चाहता और आज वो घड़ी आ गई है मेरे दोस्तों। अगर आपकी इजाजत हो तो कह दूं। इजाजत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं विद्यावती। क्या बात है। क्या
ऐसे बैठ के तो फूल देते हैं ना। देखो समझो, बस इतनी सी बात है, फूल तो पहले था, आज मेरे साथ हाथ है। I like it. वाह वाह। I like it. Let's go. सीधे चलिए प्लीज। और एक महफिल का लास्ट शेर मैं कहना चाहूंगा। क्या बात है। कोई खाना दिल से बनाए तो जरूर चखें। कोई खाना दिल से बनाए तो जरूर चखें, अपने आसपास सफाई जरूर रखें। क्या बात। एक बार हमारे चैंपियंस के लिए जोरदार तालियां। आइए आइए प्रकाश, आइए चैंपियंस। हमारे पास आप सबके लिए खूबसूरत से गिफ्ट हैं कुछ। आप सब अपने अपने हाथों से एक एक खूबसूरत गिफ्ट दीजिए। ये पिंदू जी, ये चंदू, ये लो विद्यावती। ये लावा की तरफ से एक खूबसूरत सा मोबाइल सेट है और सभी के लिए है। ले लेना बेटा, ले लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वी आर ऑनर्ड। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सब सोनी परिवार इन सभी खिलाड़ियों पर गर्व करता है और हमेशा ऐसे टैलेंट को आपके सामने लेकर आता है जो जिंदगी की चुनौतियों से लड़के अपना एक मुकाम बनाते हैं, फिर भले वो पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी हों या इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। सोनी CSR इनिशिएटिव ऐसी क्रिकेट टीम को द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन महाराष्ट्र के माध्यम से ट्रेन करेंगे और साथ ही इनका हौसला बढ़ाकर बनाएंगे एक इंडिया हैप्पी वाला। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। वो तो तेरी आशिकी में पागलों सा था, जो आंखों में बसाया था उनका जलों सा था।